वेलकम टू ओली बोर्ड। आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू करंट अफेयर रिवीजन ऑफ मई 2019। जो बाकी वीडियोस है वो अपलोड कर दी गई है, आप देख सकते हैं पीछे वाले वीडियोस। तो इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे, स्पेशल ट्रिक्स डिस्कस करेंगे, जो क्योंकि हर चीज़ का रट्टा नहीं लगाया जा सकता। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब नेक्स्ट ट्रिक्स की वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो कुछ वीडियो जो पहले अपलोड हो चुकी है, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल ऑब्वियसली, और मई की आप वीडियो भी देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बैंकिंग की करंट अफेयर्स। फर्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, SBI मूव टू अ न्यू इंटरेस्ट रेट रिजाइन। SBI ने क्या किया है, आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट बैंक जिसने RBI के रेपो रेट के साथ अपनी इंटरेस्ट रेट को लिंक कर दिया है, तो उसका नाम क्या है? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है अगर रेपो इंक्रीज़ होगा तो हम इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देंगे, मतलब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर देंगे, और रेपो डिक्रीज़ होगा तो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ कर दिया जाएगा। मतलब ये पूरा रेपो के ऊपर डिपेंड करने वाला है। कब से? 1 मई 2019 से, मतलब ये शुरू हो चुका है। नेक्स्ट आता है, क्योंकि SBI की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसलिए पक्का याद कर लीजिए इसको, ठीक है। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो भी ये रेट होंगे वो कितने रुपए से ऊपर के लिए वेरी करेंगे, ठीक है। 1 लाख से नीचे तक का तो SBI रेपो के साथ नहीं लिंक किया है, ठीक है, लेकिन 1 लाख से ऊपर जो भी डिपॉजिट्स होंगे वो RBI के रेपो के साथ लिंक कर दिए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है LIC की, ठीक है। अगर इंश्योरेंस का एग्जाम आने वाला है कोई आपके फ्यूचर में, तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, SBI में चांसेस कम है। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने लॉन्च किया उद्यम स्किलिंग सेंटर, कहाँ पे? बेंगलुरु के अंदर। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे, ठीक है, इसको याद करने के सिंपल से ट्रिक है, जो उद्यमी होता है, उद्यमी कौन होता है? जो परिश्रमी होता है। परिश्रमी कौन? जो हार्डवर्किंग होते हैं। जो हार्डवर्किंग होते हैं वो बैंग बैंग कर देते हैं, ठीक है। पेपर में बैंग बैंग कौन करेगा? जो परिश्रम करेगा, ठीक है। परिश्रम मतलब मेहनत करेगा। तो किसके साथ मिलकर किया है ये? लोक भारतीय एजुकेशन सोसाइटी। ये सिर्फ तभी याद रखिए जब आपका कोई इंश्योरेंस का पेपर है, SBI में नहीं पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, RBI डिसाइडेड टू इन्हांस हाउसिंग लोन लिमिट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि RRBs और SFBs के लिए, RRB क्या है? रीजनल रूरल बैंक्स, एंड SFBs क्या है? स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए ही ये मैंने न्यूज़ डाली है यहाँ पे। ये लिमिट तो हम पेपर के पास करेंगे, ठीक है, पेपर से 2 दिन पहले देखनी है कि हाउसिंग लोन लिमिट क्या है, क्योंकि RBI की न्यूज़ कभी भी आ सकते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के ऊपर। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है? कुछ सेक्टर्स डिसाइड किए गए हैं जो देश की ग्रोथ के लिए काम आते हैं, जैसे एजुकेशन, जैसे एग्रीकल्चर, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो उनमें जो भी लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं और बैंक्स को कहा जाता है कि आपको इतना परसेंटेज तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में लगाना है, वो लिमिट अब कितनी है? 40% है, और 18% जाता है एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए वो सेक्टर्स जो प्रायोरिटी के अंदर रखे जाते हैं उन्हें कहा जाता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। और ये सेक्टर्स किसके द्वारा डिसाइड किए गए हैं? ये RBI के द्वारा डिसाइड किए गए हैं। लिमिट हम 25 लाख, 35 लाख वो देखेंगे बाद में पेपर के पास। नेक्स्ट है, नाबार्ड अनाउंस्ड 700 करोड़ वेंचर कैपिटल फॉर इक्विटी। 700 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड इक्विटी के लिए जारी कर दिया है किसने? नाबार्ड ने। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि नाबार्ड ने कितने करोड़ का वेंचर कैपिटल जारी किया, तो कितने का? 700 करोड़ का। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है नाबार्ड में, ये देखिए, नाबार्ड में RD दिख रहा है ना आपको, RD और FD दो अकाउंट होते हैं, आपको पता है, ठीक है। वो कौन से अकाउंट होते हैं? ये टर्म डिपॉजिट अकाउंट होते हैं, ठीक है। दो टाइप के अकाउंट होते हैं, डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट में कौन आता है? RD, FD। यहाँ पे RD है, तो FD की लिमिट क्या होती है? 7 दिन से लेकर 10 साल, ठीक है। तो 7 दिन से 700, बस ऐसे याद रखिए, क्योंकि और कोई इलाज नहीं है आपके पास, या रट्टे मार लीजिए। नेक्स्ट है, RBI रिलीज्ड अ विजन डॉक्यूमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे साल ये इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या? कि RBI ने एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है, किसके लिए किया है? पहली बात तो ई पेमेंट्स के लिए। तो इसका नाम क्या है? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया विजन 2019 to 2021। और इसकी थीम क्या है? सारे ई से शुरू हो रहे हैं नाम, कैसे? एम्पावरिंग एक्सेप्शनल ई पेमेंट एक्सपीरियंस। तो बस इतना याद रखिए, जिसमें सारों में ई आए वो ही आपकी आंसर होगा, ठीक है। थीम उसी पे लगा देना, क्लिक कर दीजिएगा। ये किस चीज़ के लिए है? ई पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है, SBI अनाउंस्ड, SBI की न्यूज़ है तो इम्पोर्टेंट तो है ही। SBI ने जो आर्ट ऑफ लिविंग जो चल रहा है श्री श्री रविशंकर जी का, उनका जो श्री श्री तत्व प्रोडक्ट चलता है, उनके साथ टाई अप किया है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट योनो के द्वारा खरीदा जाता है, योनो मतलब यू ओनली नीड वन जो ऐप है SBI की, उसके द्वारा अगर खरीदा जाता है तो एक डिस्काउंट मिलेगा 15% का, ठीक है। तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कितने परसेंट का मिलेगा? 15% का श्री श्री तत्व से आप जो चीज़ खरीदेंगे उसके लिए, ठीक है।
नेक्स्ट है RBI अनाउंस्ड दैट इट विल अलाउ लार्ज मॉडर्न करेंसी चेस्ट टू इंक्रीज द सर्विस चार्जेस. सर्विस आपने पिछली वीडियो में हमने देखा था कि करेंसी चेस्ट मॉडर्न करेंसी चेस्ट ओपन करने के लिए RBI ने कहा है कि 1500 स्क्वायर फीट का स्ट्रॉन्ग रूम होना चाहिए और हिली एरियाज के अंदर 600 स्क्वायर फीट का 6.6 लाख नोट पीसी छपने चाहिए, ठीक है, और 1000 करोड़ इसकी लिमिट होनी चाहिए, CBL होना चाहिए, चेस्ट बैलेंस लिमिट. अब क्या कहा है कि जो 100 पीसीज का एक पैकेट होता है, बंडल होता है, उस पर चार्जेस लगते थे 5 रुपये तक, ठीक है, लेकिन अब कितने कर दिए गए हैं कि अब आप 8 रुपये लगा सकते हैं मैक्सिमम. तो अब ये देखिए कि जब चेस्ट क्या होती है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए चेस्ट क्या होती है, करेंसी चेस्ट क्या होती है, कि जहाँ पे करेंसीज RBI के द्वारा रख दी जाती हैं और आसपास के जितने भी ब्रांचेज होते हैं वहाँ पे पैसे वहाँ से पहुँचाए जाते हैं. तो एक क्वेश्चन उठता है दिमाग में कि ये क्वेश्चन उठता है कि क्या एक जो करेंसी चेस्ट होती है वो सिर्फ पर्टिकुलर बैंक के लिए होती है, जैसे PNB की अलग होगी, कैनरा की अलग होगी, क्या SBI की अलग होगी? जी नहीं. अगर मान लीजिए, आप सोच के देखिए, कॉमन सेंस लगाइए कि अगर मान लीजिए PNB की अलग करेंसी चेस्ट होती तो वो करेंसी चेस्ट से 8 रुपये क्यों लगाएगा अपने ही बैंक के ऊपर, PNB अपने ही ब्रांच के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज क्यों लगाएगा? हाँ, चार्ज तो एक्स्ट्रा तब लग सकते हैं, चार्ज वेरी कब कर सकते हैं, जब अलग अलग बैंक्स में पैसे जा रहे हों, वरना तो अगर कोई खुद की ब्रांच होगी तो वो तो 0 रुपये लगाएगा ना, खुद के नुकसान क्यों करेगा चार्ज लगा के. इसका मतलब एक करेंसी चेस्ट से अलग अलग बैंक्स में बंडल्स नोट्स के भेजे जाते हैं. नेक्स्ट है, कॉरपोरेशन बैंक ने लॉन्च किया है कॉर्प SME सुविधा. SME क्या है? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. तो नाम में कॉर्प दिख रहा है तो कॉरपोरेशन बैंक आपको याद रह जाएगा, कोई ट्रिक की भी जरूरत नहीं है इसके लिए. तो नेक्स्ट है, NBFCs विद एन एसेट साइज ऑफ 5000 करोड़ एंड अबव एंड ऑल डिपॉजिट टेकिंग. ये कौन सी है? नॉन डिपॉजिट टेकिंग. और जितने भी डिपॉजिट टेकिंग है उनका एसेट साइज मैटर ही नहीं करेगा. नॉन डिपॉजिट का तो मैटर करने वाला है 5000 करोड़ और उससे ऊपर, लेकिन जो भी डिपॉजिट टेकिंग NBFCs क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उनका जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग का तो 5000 करोड़ और ऊपर होना चाहिए, और डिपॉजिट टेकिंग का एसेट साइज मैटर ही नहीं करने वाला. सबको क्या करना पड़ेगा? LCR मेंटेन रखना पड़ेगा. LCR क्या है? लिक्विडिटी कवरेज रेशो. RBI ने बोरोवर के लिए विंडो जारी की थी 2% की LCR के अंदर, ठीक है, और एवरेज बेस रेट कितना बताया RBI ने? 9.21%. तो वो आपने अगर वीडियो देखी हो पुराने वाली तो ही याद रह सकता है आपको, ठीक है. नेक्स्ट है, बैंक ऑन व्हील्स. बैंक ऑन व्हील्स फैसिलिटी लॉन्च किया है इंडियन ओवरसीज बैंक ने, ठीक है. तो इसको सिंपल सी याद रखने कैसे कि जब भी आप व्हील्स पे आप कब जाएंगे, आप गाड़ी में कब चढ़ेंगे, जब आपको दूर जाना हो, समंदर पार जाना हो, दूसरे देश जाना हो, ठीक है. तो सिंपल से इसको ऐसे याद रखिए, ठीक है, या ऐसे इसको एरोप्लेन के व्हील्स से याद रख लीजिए, ठीक है. नेक्स्ट, RBI ने टाइमिंग एक्सटेंड कर दी है. किस चीज़ के लिए? कस्टमर्स ट्रांजेक्शन्स के लिए इन RTGS. RTGS में पहले 4:30 बजे तक बंद हो जाता था RTGS, लेकिन अब कितना चलेगा? अब 6 बजे तक खुलेगा ये, ठीक है. 8 से 11 रुपये तक कोई चार्ज नहीं लगेगा, 11 से 1 तक 2 रुपये लगेंगे और 1 से 6 तक 5 रुपये लगेंगे. तो इसको इसमें तो कोई टेंशन वाली भी बात नहीं. कैसे? 8 से 11 याद रखना है आपको, कोई चार्ज नहीं लगेगा. फिर 11 से 1 कितने घंटे होते हैं? 2 घंटे, तो 2 रुपये लगेंगे. और 1 से 6 घंटे, 6 बजे तक कितने घंटे होते हैं? 5 घंटे, तो 5 रुपये लगेंगे. तो टाइम आप माइनस कर दीजिए, सीधा सा आपका आंसर आ जाएगा कितने रुपये लगेंगे, अगर वो आपसे पूछ रहा है कि चार्जेस क्या लगने वाला है, ठीक है. और वैसे तो RTGS और NEFT के लिए कहा गया है कि कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, लेकिन ये चार्जेस कौन से है? टाइम वेरिएशन की वजह से. पहले 4:30 तक मिलता था, लेकिन अब 6 बजे तक मिल रहा है, इसलिए ये चार्जेस लग रहे हैं, ठीक है. और SME सुविधा तो हमने बता ही दिया कि कॉरपोरेशन बैंक है, CORP कॉर्प्स SME सुविधा. नेक्स्ट है, करंट अफेयर देखते हैं. करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्या है कि विस पॉलिसी किसने लॉन्च की है? भारती एक्सेस जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च की है विस फिन इंश्योरेंस के साथ मिलकर. लेकिन वो आपसे क्या पूछेगा कि विस पॉलिसी जो टू व्हीलर इंश्योरेंस है कस्टमर के लिए व्हाट्सएप के द्वारा दिए जाएंगे, वो किसने लॉन्च की है? तो किसने लॉन्च किया? भारती एक्सेस जनरल इंश्योरेंस. और इसको याद कैसे रखेंगे कि इंडिया के अंदर विस बहुत मांगते लोग कि मेरा कुछ ऐसा हो जाए, मेरा कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है. तो इंडिया के अंदर मतलब भारत के अंदर, भारत से भारती. नेक्स्ट है, रिक्योरिंग पेमेंट सर्विस फॉर मर्चेंट्स. जो भी डिपॉजिट्स होते हैं, जो भी पेमेंट्स होते हैं, जैसे बिजली का बिल या कोई भी अलग अलग चीज़ें एम्प्लॉयज़ को पैसे देने हैं, तो वो रिक्योरिंग पेमेंट सर्विस होती है जो महीने के महीने हर बार होती है, रिपीट होती है पीरियोडिकली, ठीक है. तो वो सर्विस किसने लॉन्च की है? पेटीएम ने. अब पैसे अपने आप खाते से कट जाया करेंगे. नेक्स्ट है, इंडियाज़ टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर, ठीक है. कौन बन गया है? इराक. तो पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल इंडिया को कौन देता है? इराक देता है.
नेक्स्ट है भारत पे। भारत पे जो फिनटेक स्टार्टअप अनेबलिंग पेमेंट है वो किसके लिए है? यूपीआई क्यूआर कोड्स के लिए है। ये अब नई ऐप के साथ आया है, किसके लिए? मर्चेंट्स के लिए। तो भारत पे मर्चेंट्स के लिए आया है, ये पूछा जा सकता है कौन आया है, तो भारत पे। नेक्स्ट है पेटीएम फर्स्ट कार्ड। पेटीएम फर्स्ट कार्ड डिजिटल कंपनी जो पेटीएम है, इसने सिटी बैंक के साथ टाई अप करके पेटीएम फर्स्ट कार्ड लॉन्च किया है। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि जो कार्ड होगा ये फर्स्टली कहाँ यूज़ किया जाएगा? ये सिटीज़ के अंदर यूज़ किया जाएगा, गांव के अंदर तो पहुँचेगा नहीं, ठीक है? तो फर्स्ट कार्ड से सिटी बैंक, तो आपको टाई अप पता चल जाएगा किसके साथ किया है, ये ट्रिक है। नेक्स्ट है भारतीय एयरटेल ने HDFC के साथ टाई अप किया है, प्रीपेड रिचार्ज जब किया जाएगा तो लाइफ कवर दिया जाएगा कस्टमर्स को, ठीक है? वो लिमिट्स है ऑब्वियसली, 10 रुपये के रिचार्ज पे आपको लाइफ इंश्योरेंस नहीं मिलने वाला, ठीक है? तो भारतीय एयरटेल ने किसके साथ किया है? HDFC के साथ। तो जब आप रिचार्ज करवाते हो तो आप ये सोचते हो कि भाई रिचार्ज अच्छे वाला करवाएं ताकि हम चीज़ें HD के अंदर देख पाएं, एयरटेल की सिम में HD के अंदर चीज़ें देख पाएं, इसलिए आप रिचार्ज करवाते हो। बस याद रह जाएगा आपको किसने किसके साथ टाई अप किया है। नेक्स्ट है बिगेस्ट कंपनी बाय रेवेन्यू। रेवेन्यू किसका होगा? सबसे ज़्यादा ऑयल यूज़ किया जाता है इंडिया के अंदर, तो IOC ने टॉप किया है, ठीक है? सॉरी, इसको ऐसे नहीं, इस टॉप किसने किया है? पहले IOC ने किया था, ठीक है, लेकिन अब किसने किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। अप्रैल मार्च के अंदर ये आया था कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है उसने टॉप किया, लेकिन अब याद रखना है आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने टॉप किया है। टोपल्ड स्टेट ओन्ड कंपनी IOC, IOC को टोपल्ड मतलब रिमूव कर देना, नीचे ले जाना किसी चीज़ को, किसको? IOC को हटा के रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले पे पहुंच गया है, ठीक है? बिगेस्ट कंपनी बाय रेवेन्यू। नेक्स्ट है ओला मनी SBI क्रेडिट कार्ड। तो आपसे पूछा जा सकता है SBI क्रेडिट कार्ड ने किसके साथ टाई अप किया है, तो किसके साथ किया है? ओला के साथ किया है। ऑप्शन में ऊबर दिखेगा, नहीं करना क्लिक उस पर। नेक्स्ट है वेबसाइट ऑफ लोकपाल। आपको पता होना चाहिए फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं, जिनका नाम क्या है? जस्टिस PC घोष। PC घोष मतलब पिनाकी चंद्र घोष। तो उनकी जो साइट है वो लॉन्च की गई है lokpal.gov.in। जैसे बैंकिंग के ऑप्शन होते हैं वैसे इंडियन सिटीजन्स के लिए अब लोकपाल है। जब सरकार नहीं सुनती बात तो आप लोकपाल में अपनी कंप्लेंट जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिम्सटेक की जो मीटिंग हुई, ठीक है, सॉरी, जो बिम्सटेक की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको इनवाइट किया गया PM नरेंद्र मोदी जी के सेरेमनी के ऊपर, स्वेरिंग सेरेमनी के अंदर जो 30 मई को हुई, प्रधानमंत्री द्वारा चुने गए देश के, उनकी सेरेमनी जब हुई तो बिम्सटेक की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको सबको बुलाया गया। नेक्स्ट है रिकॉर्ड 78 वीमेन इन लोकसभा। लोकसभा के अंदर पहले 62 थी लेकिन अब रिकॉर्ड 78 है, ठीक है? आज तक कभी भी 78 नहीं हुई थी, मतलब सब इतने नीचे ही थी इनसे, तो वीमेंस की तादाद बढ़ती जा रही है, अच्छी बात है। नेक्स्ट है फर्स्ट जैपनीज एम्परर टू स्टेप डाउन फ्रॉम थ्रोन। तो Akihito बिकम फर्स्ट जैपनीज एम्परर। जो जापान के राजा हैं उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया है थ्रोन से। 200 साल के अंदर ऐसा कोई नहीं था जिसने खुद कहा हो कि भाई मैं गद्दी छोड़ता हूँ। तो इनकी जगह अब नाम किसका आएगा? Naruhito का। तो इन्होंने हित के लिए, नारू के हित के लिए ये जग अपनी गद्दी छोड़ दी, और वैसे भी हितों ने छोड़ी है तो हितों को ही मिलनी चाहिए, ठीक है, ये लोग सोचते हैं। नेक्स्ट है मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है, चाइना ने अपना वीटो यूज़ नहीं किया, ठीक है? कहाँ पे किया गया है? UNSC के अंदर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर जो जैसे मोहम्मद के चीफ हैं मसूद अजहर, उनको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट है फर्स्ट नेशनल लेजिस्लेटिव बॉडी इन वर्ल्ड टू डिक्लेयर क्लाइमेट चेंज एमरजेंसी। किसने एमरजेंसी घोषित की है? क्लाइमेट चेंज एमरजेंसी, UK ने। नेक्स्ट है ईयर ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन, तो ये किसने जारी किया है? ये ईयर को मनाया जाएगा, किसके द्वारा कहा गया है? ये इंडियन आर्मी ने कहा है कि दिस ईयर विल बी सेलिब्रेटेड एज ईयर ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन। तो किन की बैटल की जो कैजुअलिटीज़ हुई उसके लिए इसको याद किया गया है। नेक्स्ट है फर्स्ट वीमेन पायलट ऑफ इंडियन एयरफोर्स टू क्वालिफाई अंडरटेक मिशन ऑफ बाय डे ऑन ए फाइटर एयरक्राफ्ट। फाइटर एयरक्राफ्ट में फर्स्ट वीमेन, तो फर्स्ट, जब फाइटर एयरक्राफ्ट में आप चढ़ते हो तो आपके कंठ सूख जाते हैं, कंठ मतलब गला, ठीक है? तो भावना कंठ, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट व्यूड स्टैंड अप कॉमेडियन इन इंडिया, ऑब्वियसली कपिल शर्मा ही हो सकते हैं। नेक्स्ट है ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू यूज़ ग्रीन नंबर प्लेट्स, ये कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ये नहीं देखा जाएगा कि ये कब परचेज किया गया था, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर इन विच देवर बोट। बस सबके जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको ग्रीन नंबर प्लेट यूज़ करनी मैंडेटरी कर दी गई है। मैंडेटरी मतलब जरूरी कर दी गई है, असेंशियल है।
नेक्स्ट है, BSNL बन गया है पहला ऑपरेटर जो भारत फाइबर पहुंचाएगा कश्मीर वैली के अंदर। कश्मीर वैली के अंदर फाइबर टू होम जो फैसिलिटी पहुंचाएगा कौन? BSNL पहुंचाएगा। ये इंटरनेट के लिए है। नेक्स्ट है, मैंगलोरो सिटी पुलिस ने लॉन्च किया है ऑल वीमेन पुलिस पेट्रोल यूनिट रानी अब्बा का फोर्स। रानी अब्बा का फोर्स किसने लॉन्च किया है? मैंगलोरो सिटी ने। ये ऑल वीमेन पुलिस पेट्रोल यूनिट है। पेट्रोलिंग कब क्या होती है? जब पुलिस सारी वीमेन चढ़ के एक गाड़ी में जाएगी, पेट्रोलिंग करेंगे कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। नेक्स्ट है, पोस्टेज स्टैंप जारी की गई है 750वीं एनिवर्सरी। तो नाम पूछा जाएगा आपसे तो श्री वेदांता दासिकन। और पोस्टेज स्टैंप जारी कौन करता है इंडिया के अंदर? इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? केन्स फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? तो केन्स फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? फ्रांस के अंदर हुआ। तो वहाँ पे इंडिया के हमारे अमित खरे वहाँ पे गए हुए हैं। तो ये नहीं पूछा जाएगा कि IB सेक्रेटरी कौन से गए हुए हैं? अमित खरे। लेकिन हाँ, ये पूछा जा सकता है कि केन्स फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे शुरू हुआ? फ्रांस के अंदर हुआ। नेक्स्ट है, दूरदर्शन लॉन्च्ड एन ऑनलाइन सोवेनियर स्टोर फॉर इट्स व्यूअर ऑन Amazon। Amazon इंडिया के ऊपर कुछ चीज़ें जो जैसे दूरदर्शन के ऊपर 90s 80s के अंदर महाभारत, रामायण, ठीक है, जो बुनियाद हम लोग जैसे सीरियल्स चलते थे उनकी याद में, क्योंकि पूरे देश को उन्होंने तो जोड़ रखा था ना। दूरदर्शन सबसे पहले इंडिया के अंदर दूरदर्शन स्टार्ट हुआ था, स्टार प्लस और ये बाकी चीज़ें तो बाद में आई है ना, ठीक है। सबसे पुराना दूरदर्शन है और उन्होंने लोगों को इकट्ठा जोड़ा, महाभारत, रामायण, ठीक है, हम लोग, मेहर, अलग अलग जो आप बीती जैसे हॉरर जो नाटक आता था तो उसने सबको जोड़ा ना, ठीक है। तो उसकी याद में अलग अलग टी शर्ट्स मग्स जारी किए गए हैं, वहाँ पे बेचे जाएंगे। और टैगलाइन क्या होगी इसकी? I am your DNA, I am दूरदर्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, थीम सॉन्ग जारी किया गया है हवा आने दे। हवा आने दे, हवा किससे रिलेटेड होती है? एनवायरनमेंट से। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने जारी किया है ये थीम सॉन्ग। तो आपसे पूछा जा सकता है थीम सॉन्ग क्या है? तो हवा आने दे। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी, अगर कुछ थी तो करंट अफेयर के अंदर डिस्कस कर ली गई है। फंड अलॉटेड इंडियन रूपी के अंदर रेलवे ट्रैक्स इन इंडिया के लिए ADB ने 750 मिलियन दिए हैं। और रेलवे ट्रैक्स आते ही आपको पुरानी वीडियो दिमाग में आनी चाहिए कि हाँ, मेट्रो के लिए, मुंबई मेट्रो के लिए 926 दिए गए थे रुपए, 926 मिलियन रुपए दिए गए थे। 926 याद कैसे आएगा? मुंबई मेट्रो के अंदर 9 छिपकलियाँ देखी, छिपकलियां से 26, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, कभी भूल ही नहीं पाएंगे कि 926 मिलियन डॉलर था वो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है मेट्रो में 9 छिपकलियां देखी, 9 छिपकलियां से 26। तो ऐसे ही ये देखिए, 750 मिलियन दिए गए हैं ADB के द्वारा रेलवे ट्रैक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, रैंकिंग एंड रिपोर्ट। इंपॉर्टेंट रैंकिंग देख लेते हैं। GSI के अकॉर्डिंग 35% जो है ग्रेफाइट रिजर्व्स, वो अकेले अरुणाचल प्रदेश कवर करता है। अरुणाचल प्रदेश ग्रेफाइट रिजर्व सबसे ज़्यादा है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि जब भी आप फाइट हो रही होती है तो आप कहते हैं कि चलो यहां से चलते हैं, तो चलते हैं से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। या आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जब भी आप फाइट, ये देखिए फाइट नाम दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये देखिए लास्ट में ग्रेफाइट में फाइट नाम दिख रहा है ना, ठीक है। जब भी कोई फाइट हो रही होती है तो वहां से निकल लेना चाहिए, रन, वी हैव टू रन फ्रॉम दैट प्लेस। तो हमें वहां से क्यों निकल लेना चाहिए? क्योंकि बिना काम क्यों चक्रों में पड़ना है इसके, ठीक है। ज्यादा बहादुरी नहीं दिखाने की फाइट के बीच में आगे, नहीं, वहां से निकल लेना चाहिए, वहां से चल पड़ना चाहिए। और जो डरते नहीं वो मूर्ख होते हैं, आपको पता है इतनी बात तो। नेक्स्ट है, RBI डाटा इन मार्च 2019 में RBI का डाटा आया और कहा गया कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स इंक्रीज हो गई है 15% से, ठीक है। बस आप डेबिट कार्ड से कितनी हुई है ये आपको बताना है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन डन बाय डेबिट कार्ड कितनी हो गई, कितने परसेंट से हुई, और ये जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स लोगों के द्वारा हुई है वो कितनी हो गई, और मर्चेंट से कितनी हुई है वो आपको बतानी है। लोगों के द्वारा मैंने बता दी 15% है। स्कीम्स इंपोर्ट की, स्पेशल कोई स्कीम्स नहीं रही इस महीने। नेक्स्ट है कमेटी। कमेटी देखते हैं स्ट्रेस्ड एसेट्स के लिए और कॉरपोरेट लोन में एफिशिएंसीज डेट मार्केट के बढ़ाने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई है? RBI के लिए बनाई गई है, RBI के द्वारा बनाई गई है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। TN मनोहरन, ठीक है, कॉरपोरेट मनोहरन। तो आप इसको याद कैसे रखें कि जब रेट बढ़ जाते हैं, सॉरी, इस रेट ने मेरा मन हर लिया, मन हर लिया मतलब मुझे लुभा लिया रेट ने। और शॉपिंग के अंदर आपका रेट देख के मन लुभा लिया जाता है ना कि हाँ इतना परसेंट ऑफ चल रहा है, इतना परसेंट ऑफ चल रहा है, तो आपको भी पता है कितना परसेंट ऑफ चल रहा होता है। नेक्स्ट है कमिटमेंट टू इम्प्लीमेंट द नेशनल क्लीन एयर
प्रोग्राम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के लिए कमेटी बनाई गई है, ठीक है। किसके द्वारा बनाई गई है? ऑब्वियसली यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा बनाई गई है। और ये कह रही है कि हमें पर्टिकुलेट मैटर जो पीएम होता है उसी लेवल से पता चलता है कि कितना पॉल्यूशन है, तो उसको डिक्रीज करना है 102 सिटीज के अंदर 2024 तक कितने परसेंट से। अगर अब 100 है तो उसको 20-30% से डिक्रीज करना है, मतलब 70-80 तक लेके आना है। अभी धीरे धीरे काम किया जाएगा। तो कमेटी विल बी हेडेड बाय सेक्रेटरी यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट है, टाइगर ऑफ तमिल एलाम, टाइगर ऑफ तमिल एलाम एज एन अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर करने के लिए कि ये है कि नहीं है, ठीक है, ये अनलॉफुल एसोसिएशन है कि नहीं है। कौन सा? टाइगर ऑफ तमिल एलाम। तमिल एलाम टाइगर जो एसोसिएशन चल रहा है वो लॉ के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं, उसके लिए कमेटी बनाई गई है, जिसके हेड कौन है? संगीता धींगड़ा सहगल। और आपको पता होगा, जब लो नाम दिखता है आपको तो आपको दिमाग में क्या आता है? कोर्ट में कोई गवाही दे रहा है, तो गवाही जब लो से बात आती है तो गीता पे हाथ रखवाया जाता है अगले का, ठीक है। वो मतलब डिपेंड करता है वो कौन है, वो हिंदू है तो गीता पे रखवाया जाएगा, मुसलमान है तो कुरान पे रखवाया जाएगा। और रखवाना किस पे चाहिए? संविधान पे रखवाना चाहिए। नेक्स्ट है, सॉरी, इसमें देखिए कि लो नाम आते ही आपके दिमाग में आएगा गीता, ठीक है। गीता पे हाथ रखवाया जाता है मूवीज के अंदर हम देखते हैं, तो गीता से संगीता, संगीता से आपको संगीता ही नाम दिखेगा, वहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, सिंपल सी बात। MOUs इंपॉर्टेंट थे नहीं, MOUs जैसे कुछ थे कि SBI क्रेडिट कार्ड ने ओला के साथ टाइप के लिए, वो हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं इसी वीडियो के अंदर। नेक्स्ट है, सेंटर्स ओपन इंपॉर्टेंट है। SSB का जो सेंटर ओपन हुआ है नेवी का, वो कहाँ पे हुआ? कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। और नेवल चीफ कौन बन गए हैं? अब करमवीर सिंह बन गए हैं, ये नहीं है सुनील लांबा ने अपनी जगह छोड़ दी है, अब उनकी जगह कौन आ गया है? करमवीर सिंह। तो वो अपॉइंटमेंट्स के अंदर हम जो लास्ट वीडियो करेंगे उसमें देख लेंगे। तो ये SSB का सेंटर कहाँ पे खुला? कोलकाता वेस्ट बंगाल। ये आप इसको कैसे सोचेंगे कि भाई मेरा सिलेक्शन हो रहा था वहाँ पे, मैं वहाँ बोर्ड के अंदर खड़ा था, ठीक है, इसलिए मैंने तेरा कोलकाता, कोलकाता से कोलकाता। नेक्स्ट है स्टेट्स, इंपॉर्टेंट स्टेट्स देख लेते हैं। फर्स्ट वी टाइम इंडक्टेड वीमेन कमांडोज इन DRGs। DRG क्या है? डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। तो कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के अंदर। तो आप इसको याद कैसे रखें कि वीमेन जो कमांडोज है वो टोटल 36 थे, ठीक है, 36 थे, तो छत्तीसगढ़, सीधी सी बात। फर्स्ट स्टेट टू टैप इनटू मसाला बॉन्ड मार्केट इंडियन रुपीस के अंदर, जो दूसरी इंटरनेशनल सिक्योरिटीज मार्केट हैं, ठीक है, वहाँ पे जब इंडियन रुपीस के अंदर बॉन्ड जारी किए जाते हैं उन्हें मसाला बॉन्ड कहा जाता है। और आपको पता होगा IFC ने 100 बिलियन दिए हैं इस इंडिया को, ठीक है, और मसाला बॉन्ड के थ्रू इन्वेस्ट किए हैं। IFC जो ब्रांच है वर्ल्ड बैंक की, ठीक है, उसने। और फर्स्ट स्टेट पूछा जाए आपसे तो केरला, ठीक है। फर्स्ट PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी पूछा जाए तो NTPC, ठीक है। और अगर बैंक पूछा जाए तो नाम आएगा HDFC। तो अब जो मसाला बॉन्ड्स है वो फिलहाल लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट CMs। चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा कौन बन गए हैं? नवीन पटनायक, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? प्रेम सिंह तमांग, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि जब आपसे कोई प्रेम से कोई चीज़ मांगे, तमांग से मांगे, प्रेम से कोई चीज़ मांगे, कोई भी जो बेगर होते हैं वो आपसे कुछ मांगे तो उनको सिक्के दे दीजिएगा आगे से, ठीक है, क्योंकि 5-7 रुपये में आपका कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, उसका दिन बन जाएगा। तो सिक्के आपसे जब कोई मांगे प्रेम से तो उसे दे दीजिएगा, मांगे से तमांग। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश के CM कौन बन गए हैं? अरुणाचल प्रदेश के CM बन गए हैं पेमा खांडू। तो जब भी खान, तीन जो खान फेमस है इंडिया के अंदर, बॉलीवुड के अंदर, आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान, वो जब आते हैं तो आप कहते हैं चलो देख के आते हैं, अरुण चल देख के आते हैं, या आपको पता होगा परदेसी मेरे यारा, ठीक है, परदेसी परदेसी जाना नहीं, वो सॉन्ग कौन सी मूवी का था? वो था राजा हिंदुस्तानी मूवी का। और राजा हिंदुस्तानी में कौन थे? आमिर खान थे, तो आमिर खान से खान आ जाएगा, कोई तरीका नहीं है आपके पास, ऐसे याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, CM ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्रा में अंधेरा दिख रहा है आपको, अंधेरे में ही तो लोग जागते हैं ना, जागते से जगन, ठीक है, तो जागने से जगन आ जाएगा। और अरुणाचल चलते हैं किसको देखने? खान को देखने, तो खांडू, ठीक है। और प्रेम से कोई मांगे तो सिक्का दे दीजिए उसको, सिक्का। नेक्स्ट है, स्पोर्ट्स की देख लेते हैं। सीएट टायर जो है उनकी रेटिंग आई है, सीएट क्रिकेट रेटिंग, ठीक है, उसमें इंटरनेशनल क्रिकेट और बैट्समैन का अवार्ड किसे मिला? विराट कोहली को मिला। और बॉलर का किसे मिला? जसप्रीत बुमराह को मिला, जो ये जो बॉलर है बहुत अच्छे, ठीक है। नेक्स्ट है, एशियन यूथ वीमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप, जब वीमेन ने अपने हाथ में पहली बार बॉल उठाई, ठीक है, क्योंकि ये लड़के ही खेलते हैं, ठीक है, और जब वीमेन ने उठाई तो पूरे संसार में जय जय हो गई कि हाँ चलो इक्वल तो होने के कगार पे हैं हम।
आईपीएल के चैंपियन फोर टाइम बन गए हैं कौन, मुंबई इंडियंस। किन को हराया था इन्होंने, चेन्नई सुपर किंग्स को, थ्रिलिंग फाइनल था, एक रन से जीत मिली ने। तो ये पूछा जा सकता है ऑरेंज कप किसे मिला, ऑरेंज कप मिला डेविड वॉर्नर को मैक्सिमम रन बनाने के लिए टोटल मैचेज में, ठीक है। और पर्पल कैप किसे, सॉरी ऑरेंज कप नहीं बोल, अगर मैंने कप बोला है यहाँ पे तो ऑरेंज कैप है ये, ठीक है। और पर्पल कैप किसे मिली, इमरान ताहिर को मिली, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए किस चीज़ के लिए मिली, ये मैक्सिमम विकेट लेने के लिए मिलती है, ठीक है। और हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर किसने बनाया, 114 रन बनाया जॉनी बेस्टो ने। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला, केकेआर के शुभम गिल को, कोलकाता नाइट राइडर्स के शुभम गिल को, शुभमान गिल को। नेक्स्ट है मोस्ट सक्सेसफुल वुमेन ओडीआई स्पिनर, जो ओडीआई स्पिनर अगर जो मोस्ट सक्सेसफुल है वो तो अमीर होगी, अमीर होगी तो सना अमीर, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रख लीजिए अमीर से। फर्स्ट एवर वीमेन टू बी अपॉइंटेड टू द आईसीसी क्रिकेट पैनल ऑफ मैच रेफरीज, ये नाम दिखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ हमने पहले भी किया था कि फर्स्ट टाइम कोई फीमेल अंपायर खड़ा होगा मैन के मैच के अंदर, ओडीआई के अंदर, ठीक है। तो उनका नाम क्या था, हमने याद किया था कि कोई शक नहीं करेगा उनके ऊपर, ठीक है। तो पोलो सेक नाम था उनका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जीएस लक्ष्मी, मैच रेफरीज के अंदर कौन आ गए हैं, जीएस लक्ष्मी। नेक्स्ट है सेकेंड इंडियन ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट, बॉक्सिंग टूर्नामेंट जो इंडियन ओपन का हुआ वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ, गुवाहाटी के अंदर हुआ, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट जो ओपन हुआ वहाँ पे सबसे पहले हाथी आए, ठीक है, हाथियों से सबका स्वागत किया गया, तो हाथी से गुवाहाटी। नेक्स्ट न्यूज है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, बीएफए कौन है, गवर्निंग बॉडी है बैडमिंटन की, बैडमिंटन फेडरेशन एसोसिएशन लॉन्च टू, अब ये इसकी फुल फॉर्म कन्फर्म नहीं है जो मैंने अभी बताई है, तो आप चेक कर लीजिएगा इसको, कहीं गलत ना कर लीजिए मेरे भरोसे। नेक्स्ट है बीएफए लॉन्च टू न्यू फॉर्मेट्स ऑफ द गेम, बैडमिंटन के अंदर दो नए गेम लेके आए गए हैं, एयर बैडमिंटन एंड ट्रिपल्स। तो इसके लिए जो शटल यूज की जाएगी उसे कहा जाएगा एयर शटल, एयर शटल से खेले जाएंगे एयर बैडमिंटन एंड ट्रिपल्स। तो इसके लिए जो डायमेंशन है कोर्ट के, कोर्ट मतलब जहां पे ये गेम खेला जाता है, यहां पे नेट लगा होता है बीच में, ठीक है। तो आपको पता होगा ये कुछ ऐसा कोर्ट बना होता है। नेक्स्ट है क्रायो कैंपेन, क्रायो से क्राई नाम दिख रहा है ना आपको, शोर मचाना, तो शोर मचाने का कैंपेन बनाया किसने, आईसीसी ने, आईसीसी क्रिकेट का एसोसिएशन जो है मैन वर्ल्ड कप के अंदर ये बनाया गया, रिकॉर्ड बना, ठीक है। नेक्स्ट है आईसीसी का जो मैन क्रिकेट वर्ल्ड कप जो चल रहा है वो कहाँ पे चल रहा है, इंग्लैंड, एंड यहाँ पे डब्ल्यू से कुछ नाम है वो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और जो फर्स्ट वीमेन क्रिकेट मैगजीन है उसका नाम क्या है, क्रिक जोन, ठीक है। तो फर्स्ट एवर जो लॉन्च की गई है मैगजीन वीमेंस के लिए, क्रिक जोन है, और इसके कवर के ऊपर कौन थे, इंडिया के वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, साइरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बन गए हैं, ठीक है। और मोहम्मद बुहारी, ये 26 जनवरी को हमारे आए थे फंक्शन के ऊपर, ठीक है। और मोहम्मद बुहारी नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बन गए हैं, और इसको याद कैसे रखेंगे, जीरा नाम दिख रहा है ना आपको, जब जीरा गिर जाता है तो आप क्या करते हैं, बुहारी लगाते हैं, बुहारी क्या होती है, झाड़ू, ठीक है। अवार्ड, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज किसे मिला, तो आप सोचिए मैन क्या होता है, बुक को खा जाता है, जो नहीं खाते, ठीक है, वो लास्ट में पेपर के पास आरती उतारते हैं बुक की कि भाई मैं पास हो जाऊं, ठीक है। तो जोखा आरती, ये किस चीज के लिए मिला, इन्हें कैलेस्टियल बॉडीज के लिए मिला, कैलेस्टियल का मतलब रिलेटेड टू हेवन, ठीक है, जो स्वर्ग टाइप की बॉडीज होती हैं, वो थ्री सिस्टर्स की थी, जो स्लेव थी पहले, और वो नए जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसके साथ, उनके साथ कैसे बिहेव किया जा रहा है उसके बारे में है, आपको इतना डिटेल में नहीं जाना। मैन बुकर प्राइज किसे मिला, जोखा अलार्थी को मिला, और कैलेस्टियल बॉडीज के लिए इन्हें मिला। नेक्स्ट है एएस किरण कुमार, जो फॉर्मर इसरो चेयरमैन है, उन्हें फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, अवार्ड का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो चेवलियर द ऑर्डर नेशनल द लेजेंड ऑनर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूछा जाएगा फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड किसे मिला, एएस किरण कुमार को मिला, क्यों मिला, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर कोई यहाँ पे ये ना होता तो हम याद ही नहीं करते इसको, लेकिन इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं इसलिए याद करना जरूरी है, ठीक है। तो सासाकावा अवार्ड किसे मिला, यूएनडीडीआर के अकॉर्डिंग, यूएनडीडीआर क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। तो ये किसके मिला, प्रमोद कुमार मिश्रा को मिला, ठीक है। और आपको याद रखना है कि सास क्या करती है, अपने दामाद को मिश्री खिलाती है, मिश्री मतलब चीनी, जो बड़ी टाइप की चीनी होती है उसे मिश्री बोला जाता है। नेक्स्ट है भारतीय एक्सा इंश्योरेंस ने फिक्की के साथ टाइप करके, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि माई सर्कल नाम से लॉन्च किया था वीमेंस के लिए, तो फिक्की और भारतीय एयरटेल को अवार्ड मिला है, एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, तो आप वहां से इस चीज को याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट ऐप. इम्पोर्टेंट ऐप सिर्फ एक ही थी, BSE स्टार MF, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टार MF. MF मतलब म्यूचुअल फंड. तो म्यूचुअल फंड के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने जो ऐप लॉन्च की है उसका नाम है BSE स्टार MF. तो ये तो नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि BSE स्टार MF किसने लॉन्च की. NSE BSE ऑप्शन में देगा तो आप ऑब्वियसली उसे पता है BSE लगाओगे. वो पूछेगा BSE ने कौन सी ऐप लॉन्च की, तो BSE स्टार MF पे क्लिक करना है वहां पे. ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट समिट्स देख लेते हैं. G7 की एनवायरमेंट मिनिस्टर की समिट कहां पे हुई, फ्रांस के अंदर हुई. नेक्स्ट है जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसको हेड किसके द्वारा किया गया, एनके सिंह के द्वारा और डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI के द्वारा. एक मीटिंग हुई डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI और गवर्नर ऑफ RBI. गवर्नर ऑफ RBI कौन है, शक्तिकांत दास. शक्तिकांत दास जी के द्वारा और एनके सिंह जी के द्वारा एक मीटिंग हुई. वो कहां पे हुई, इंपॉर्टेंट तो है क्योंकि दोनों ही बड़े नाम हैं. ठीक है, तो ये कहां पे हुई, मुंबई के अंदर हुई. ठीक है, और मुंबई के अंदर हुई तो आप इसको याद रख सकते हैं कि RBI का जहां पे हेड ऑफिस है वहां पे हुई. ठीक है, नेक्स्ट है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग कहां हुई. ठीक है, तो आप इसको याद कैसे रखेंगे कि जब ऑपरेशन सफल हो जाता है, ऑपरेशन जब सक्सेसफुली कर लिया जाता है तो आप क्या करते हैं, फौरन जाके केक लेके आते हैं. केक लेके आते हैं मतलब बिस्केक रिपब्लिक में ये हुई मीटिंग, फौरन केक लेके आते हैं. तो फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डाटा आया है 2019 के लोकसभा इलेक्शन के लिए कि सबसे ज़्यादा इस बार वोट पड़े 67.10%. ठीक है, हाईएस्ट एवर वोट टर्नआउट इन द हिस्ट्री ऑफ जनरल इलेक्शन. जनरल इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट पड़े. जनरल इलेक्शन में लोग वोट कम डालते हैं लेकिन फिर भी 67.1% मिले, तो इंपॉर्टेंट चीज है ये, आप पता होना चाहिए. 5th स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो लॉन्च किया गया दिल्ली के अंदर. अब देख ले, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इस बार नहीं है, कुरुक्षेत्रा वाली एक्सरसाइज आपको, बोल्ड कुरुक्षेत्र आपको पता होना चाहिए. कहां पे हुई, किन दो देशों के बीच में हुई, इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुई. इंपैक्स इंडिया और म्यांमार के बीच में होती है. ठीक है, और GDP देख लेते हैं. GDP OECD के ये लेटेस्ट GDP है. ठीक है, GDP क्या है, 7.25 और 7.50, ये OECD के अकॉर्डिंग है. ठीक है, और आप इसको याद कैसे रखेंगे कि CD जो है, TV जो हम CD यूज़ करते हैं, ठीक है, वो पहले 25 रुपये की आती थी और अब 50 रुपये की हो गई है. 7.5 का मतलब 7.50 ही हो सकता है ना. ठीक है, तो सात तो आपको पता है नीचे तो जाने से रहा, तो 7.25 7.50. UN के अकॉर्डिंग 7.1%, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च 7.3%. ठीक है, और फीकी के अकॉर्डिंग 7.1%. तो फीकी और UN का सेम है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं. ADB के अकॉर्डिंग एशिया पैसिफिक में बात चल रही है, यहाँ पे 5.7%. और रिटेल इन्फ्लेशन अप्रैल की जो रिपोर्ट है 2.92, और आपको पता होना चाहिए कि 4% हमारी इन्फ्लेशन बैलेंस्ड मानी जाती है, प्लस माइनस टू चल जाता है, मतलब 2 से 6 के बीच में वेरी करे तो इन्फ्लेशन ठीक रहती है. और लास्ट में बुक देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट कौन से, गेम चेंजर लिखी गई है, ऑटोबायोग्राफी है किसकी, शाहिद अफरीदी, जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं जिन्होंने अभी फिलहाल संन्यास ले लिया है. तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए.